हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत क्रिएटिव माना जाता है, लेकिन फिल्मों के टाइटल को लेकर कितनी क्रिएटिव है फिल्म इंडस्ट्री, आइए देखें इस रिपोर्ट में। इम्तियाज अली की फिल्म जब हैरी मेट सेजल रिलीज हो गई, रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म का टाइटल चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ये टाइटल 1989 में आई रॉब रीनर की फिल्म व्हेन हैरी मेट सैली से लिया गया है, या यूं कहें कि कॉपी पेस्ट किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म निर्माता ने हॉलीवुड फिल्म से टाइटल चुराया है। पुराने मशहूर गानों और हॉलीवुड फिल्मों से फिल्म का नाम लेने का ये चलन बहुत पुराना है। 1963 में आई प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का नाम 1960 की मशहूर फिल्म मुगले आजम के गाने से लिया गया था। '97 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात, टाइटल भी फिल्म निर्माताओं ने पुराने गाने से चोरी किया था। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम भी ओरिजिनल टाइटल नहीं था। कर्ज फिल्म का गाना ओम शांति ओम को ही फिल्म का नाम बना दिया गया। ऐसे ही 2008 में आई रणबीर कपूर की फिल्म बचना ए हसीनो, टाइटल भी गाने से ही लिया गया था। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। ऐसी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें दिल तो बच्चा है जी, जब तक है जा, ये जवानी है दीवानी और जय हो जैसी फिल्में शामिल हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव कही जाने वाले इंडस्ट्री में नए विचारों की कमी हो रही है। यही कारण है कि विश्व में एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म देने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री के सालाना व्यापार से ज्यादा व्यापार जंगल बुक जैसी एक ही फिल्म कर लेती है। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।